क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी जहां धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा के नेता उनकी कथा में शामिल होकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। साथ ही भाजपा के कुछ नेता उनके दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इस बीच पटना में लगे उनके पोस्टर पर कालिख पोतने और विवादित शब्द लिखे जाने की भी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पटना के डाक बंगला चौराहा सहित कई इलाकों में धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर उनके स्वागत में पोस्टर चस्पा किए गए थे, जहां देर रात इनमें से कई पोस्टर में उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई है। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय कथा हो रही है। 13 मई से कथा की शुरुआत हुई थी और 17 तारीख यानी आज समापन होगा। वहीं कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं में उत्साह को देखते हुए बाबा ने मंगलवार को कहा कि उनका हिंदू राष्ट्र वाला संकल्प बिहार से पूरा होता दिख रहा है। उनके इस बयान पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बाबा के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि यह संभव नहीं हो सकता है। बिहार में आप आश्वस्त करते हैं बिहार में इच्छा बनी रहेगी, बिहार में इच्छा बनी रहेगी सभी जाति धर्म के? बिल्कुल, ये सब तो अच्छी तरह जानिए, हर देश में भी बना रहेगा। वो ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता। अब अभी लोग अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप बताइए तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे, कभी कोई हुआ है क्या हस्तक्षेप? तो इसलिए जरा समझना ना चाहिए भाई कि किसी चीज को जानना चाहिए और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आज जिसको खुद अपना पूजा करना है करे, कोई किसी को रुकावट है? सब कर सकता है अपना। बहुत सुंदर भवन बना है सर, आज आपने उसका उद्घाटन किया। तो वही बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने वालों का तांता भी लगा हुआ है। वही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की है। साथ ही बाबा के दरबार में अक्षरा सिंह कई अन्य लोगों के साथ बैठी नजर आई। इस दौरान उन्होंने बाबा बागेश्वर को भजन भी गाकर सुनाया और अक्षरा के भजन को धीरेन्द्र शास्त्री बड़े मन से सुनते नजर आए। वही बागेश्वर धाम वाले बाबा से मुलाकात वाला वीडियो खुद अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। धीरेन्द्र शास्त्री की आज आखिरी कथा है, जिससे पहले एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और वही भजन सुनाते हुए भी एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। तो वहीं गया शहर के आईएमए हॉल में इंकलावी युवा सम्मेलन के बैनर तले कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अनंत कुमार शामिल हुए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी लोग ने भारतीय शिक्षा पद्धति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला।
एक दो दिन का खेल नहीं है जो खराब है, निरस्त है। ये शिक्षा व्यवस्था 1947 से अब तक वही सिस्टम है, और पिछले कई वर्षों से जैसे हमारे बिहार नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, यहाँ से शिक्षा के सूत्रधार रखी जाती थी, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे यहाँ इस धरती पे। एक समय था कि मगध की धरती पूरे देश पे शासन क्या करती थी, इस वह शिक्षा के विश्वगुरु माने जाते हैं, भारत विश्वगुरु माना जाता है। लेकिन लोग जब राजनीति में आने से पहले जब होता है तो उन लोग शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके बहुत सारी बातें, पार्टी की राजनीति कर पूरे बिहार के युवाओं के भविष्य को चौपट कर दी है, अंधकार में डाल दिया है। उसके लिए आज हम बिहार के अनेकों जिलों से, अनेकों राज्य प्रखंड से युवाओं को एकत्रित किए थे यहाँ पे, और हम सभी युवा मिलकर जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर बिहार सरकार को एक जगाने का काम किया। जिस तरह से वीर भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ा था, उस तरीके से आज पूरे बिहार की तमाम युवा साथियों को हमने यहाँ एकत्रित करके बिहार सरकार को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अब बिहार की युवा जाग चुकी है। बिहार में भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में वैकेशन कोर्स की पढ़ाई पूरे किए बगैर कोर्स बंद किए जाने के विरोध में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पहुंचे सैकड़ों छात्र छात्राओं ने वोकेशन डिपार्टमेंट का घेराव कर दिया। अधूरी पढ़ाई पूरी करने की मांग करते हुए यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि वोकेशनल डिपार्टमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर बंद की जाती है तो छात्रों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुलपति जवाहर प्रसाद के निर्देश पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई पूर्ण किए बगैर ही बंद की है, जिसको लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन को बंद कराया और मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ कुलाधिपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो वही खबर भागलपुर से है, जहां नाथनगर के नूरपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 में लोग पानी की किल्लत को लेकर काफी परेशान हैं, जहां लोगों का आरोप है कि हम लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है और पीएचडी विभाग भी फेल है। वही पीएचडी विभाग के एसडीओ को नूरपुर पंचायत वार्ड नंबर में हो रही पानी की समस्या को लेकर जब अवगत कराया गया तो उन्होंने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही दूर करने की बात कही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो नालंदा में रहुई प्रखंड के 50 गांव के पास सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर अंडरपास रास्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए सड़क को ही जाम कर दिया, जहां सड़क जाम की सूचना पाकर रहुई थाना पुलिस की टीम और भागन बीघा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर उग्र ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है। वही ग्रामीणों ने बताया कि रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक फोर लेन के निर्माण को लेकर कई जगह पर ओवरब्रिज का निर्माण करने से कई गांवों के मुख्य रास्ते पूरी तरीके
तरीके से अवरुद्ध हो चुके हैं, जिससे गांव के 3000 ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी ग्रामीणों ने कई इलाकों में अंडरपास की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन किया था। रास्ता चाहिए, इस साइड सोचा लगे हम लोग को मांग है, रास्ता चाहिए ना। तो क्या रास्ता नहीं दिया जा रहा है? कहाँ तो बंद किया जा रहा है, तो फिर रास्ता कहाँ दिया जा रहा है? फोर लेन में जिसे हम लोग के रास्ता चाहिए ना। अरे ठीक है, इस साइड से उस साइड होने के लिए पुल चाहिए हम लोग के बीच में। तो क्या प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन तो ये लोग आए अपना बुलवा रहे हैं क्या मतलब, और हम लोग जनता दोपहर में तो सब अपना अपना गाँव में रहता है। कहाँ ये मामला हो रहा है? पिचासा गांव। तो क्या आप लोग का मामला? पिचासा गांव के लगभग 3000 लोग यहाँ पर से निकलता है। 3000 के लगभग। और सोचिए बच्चा आने जाने में दिक्कत होता है, पढ़ने जाएगा कहाँ? बच्चा जो है 1 किलोमीटर घूर के आएगा पढ़ने के लिए, पुल पे जाएगा चढ़ने के लिए, उसका फैमिली वगैरह रुकल रहेगा ले जाने लाने के लिए। कुछ नहीं चाहिए ना, हमारा भी पुल खाली चाहिए, दे देंगे। अब एकाएक दोपहरिया में सबके जन मरण को गर्मी में बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर ही प्रशासन आया हुआ है, क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन बोल रहे हैं कि सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, प्रशासन यही बोल रहे हैं। ये कहाँ के मामला है? पिचासा के। कहाँ पड़ता है ये? रहुई पड़ता है। तो वहीं बिहार में मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के अखारा घाट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे बैंक परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही आग लगने के कारण पूरे बैंक में धुआं फैल गया और बैंक कर्मी आनन फानन में बैंक से बाहर निकलकर भागने लगे। इस दौरान एक कर्मी आग की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया है। वही सूचना के बाद पहुंची अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। तो पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय में किचन में आग लग गई। कोई घायल भी है? हाँ, हल्का फुल्का। क्या नाम है घायल का? घायल का पंकज कुमार नाम, 38 वर्ष। आग लगने का कारण क्या? आग देखे क्या देखे कारण? तो धुआं, धुआं वाले की बात हम भी सुने तो हम भी गिरते पड़ते आए हैं। आग बुझा ली गई? हाँ, हम बुझा दिए जी ना। हाथ हाथ में। खबर मोतिहारी से है, जहां दोस्तों ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक के शव को ग्रामीणों की सूचना पर परिजनों ने बरामद किया है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। लोग फोन किया है जी, आइए आपका भतीजा का मार दिया गया है। तो हम लोग वहाँ गए तो देखे तो लाश पड़ा हुआ था। शक है कि वही दोस्त लोग ही घटना को। अभी दोस्त लोग किए हैं कि कौन किया है अब तो समय बताएगा, मैंने दोस्त लोग घर से बुला लेगा। उसके बाद कोई पता नहीं जी? उसके बाद कोई मोबाइल मोबाइल उन्हीं लोगों के पास है, मोबाइल इनके पास नहीं है। ये क्या करते थे घर? घर ही पे रहते थे, कुछ नहीं करते थे, दिल्ली काम कर रहा था। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सर। प्रथम दृष्टया यह देखकर लगा कि गर्दन में गोली लगी है, पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा चुका है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण घटना का, मृतक कैसा था, क्या करता था, सब जानकारी? इस संबंध में भी जांच चल रही है, और चूंकि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है, इसलिए अभी इस संबंध में कहना उचित नहीं होगा कि क्या कारण है, परंतु प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतम कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ परिजनों का कहना है दोस्त के द्वारा फोन करके बुलाया गया था। इस संबंध में बिल्कुल हम लोग जाँच कर रहे हैं और कुछ देर के बाद हम लोग स्पष्ट स्थिति में रहेंगे। बिहार के बाढ़ में मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 भूतनाथ गंगा घाट में मिट्टी धंसने से 2 बच्चे दब गए, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बालिका गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना को लेकर अंचलाधिकारी को सूचना दे दी गई है। खबर नालंदा से है, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने
एकंगर सराय थाना अंतर्गत महिमा कुर्थू गांव में सुधीर कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उनकी हत्या के मामले में दोषियों को 3 महीने में फांसी की सजा की मांग की है। बताया जा रहा है कि सुधीर कुमार की हत्या बीते दिनों हेलमेट चेकिंग के दौरान जहानाबाद में पुलिस द्वारा ही कर दी गई थी, जहां पप्पू यादव ने उनके परिजनों से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद जन अधिकार पार्टी की ओर से तत्काल उनके परिजनों को 50,000 की आर्थिक मदद की। रुपया तत्काल उस बच्ची को जिसके हस्बैंड जो नहीं रहे और उनकी बेटी की शादी में, तीनों बेटी की शादी में जब शादी लगेगा तो 50,000 रुपया मेरे तरफ से उनकी मदद हो। लेकिन सवाल उठता है कि बेटी की शादी में पप्पू यादव मदद कर देंगे? आज उस बच्ची के लिए हम 50,000 रुपया हमारे नेता मदद कर देंगे, लेकिन क्या उनकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या उनके माँ बाप को अब क्या वो बच्चा मिल जाएगा? इसीलिए हमने एसपी से बात की है, स्पीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर फांसी की सजा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।